नमस्कार दोस्तों, लर दे बाय स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक और जगह के बारे में जानेंगे जो बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है, सांची। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गाँव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसन नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भीमबेटका भी है। विदिशा से नजदीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है कि यह विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे बड़े अनोखे स्तूप है जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी है। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक एक रूपी एक छत्र था। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्पमित्र शुंग ने उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्पमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुंबद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनवाई गई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। अपने कई मंदिरों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार डोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर 1-2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बना 2री पाषाण परिक्रमा एक ऐसे घेरे से घिरी थी इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती है, परंतु वहां मिले शिलालेख के अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद के सातवाहन वंश के द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण है। तोरण एवं परिक्रमा 70 ईसा पूर्व के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते ही। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सत्कर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद विसी के पुत्र की ओर से उपहार है जो राजन सत्कर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है किंतु काष्ठ की शैली में गड़े हुए तोरण वर्णात्मक शिलों से परिपूर्ण है। इनमें बुद्ध की जीवन घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई है। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आती है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिए गए थे जिनमें उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता चाहे स्त्री या पुरुष हो, बुद्ध के जीवन में संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहाँ खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारागिरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग कर गए थे, तो कहीं उनके पदचिन्ह कहीं बोधि वृक्ष के नीचे चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था। सांची की दीवारों के बॉर्डरों पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र मुद्रा और वाद्य है जो कि स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
आगे की शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्मों और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। यह विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संख्या 17 संभवतः प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यह आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसके चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में मंडप और 4 स्तंभ है। आगे का भाग और स्तंभ विशेषक अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिनमें मंदिरों को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से और शेष तीनों ओर से समतल है और अलंकृत है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और उपेक्षित हो गया और इसी खंडित अवस्था को पहुंचा। एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे। इन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। अव्यवसायी पुरातत्व और खजाने के शिकारियों ने इस स्थल को खूब ध्वंस किया, जब तक कि सन 1818 में उचित जीर्णोद्धार कार्य आरंभ नहीं हुआ। 1912 से 1919 के बीच ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। यह जब जॉन मार्शल के देखरेख में हुआ। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिनमें स्तूप और कई मंदिर भी हैं। यह स्मारक 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।